आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब बात उन हिंदुस्तानियों की करेंगे जो अपने अपने तरीके से कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के कम्युनिटी किचन में। यहां मुश्किल में फंसे ऐसे लोगों का खाना बनता है जिनके लिए लॉकडाउन की वजह से दो वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो रहा है। बीजेपी सांसद के किचन से अब तक 1,00,000 लोगों को फूड पैकेट्स बांटे जा चुके हैं। सांसद हो या फिर विधायक, जनप्रतिनिधि का सबसे पहला कर्तव्य है जनता की सेवा। आज लॉकडाउन में जनता की सेवा करने का सबसे बड़ा मौका है। पश्चिमी दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा लॉकडाउन के पहले दिन से ही एक कम्युनिटी किचन चला रहे हैं, जिससे दिल्ली में कई जगहों पर फूड पैकेट्स की सप्लाई हो रही है। इंडिया टीवी ने इस कम्युनिटी किचन का दौरा करके जाना कि ये कम्युनिटी किचन कैसे काम कर रहा है। कोरोना महामारी के इस वक्त में हर आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जो जरूरतमंद है, जो दिहाड़ी मजदूर है और जो गरीब है, उनको खाना मुहैया कराया जाए। और ऐसे में दिल्ली में अलग अलग जगहों पर कम्युनिटी किचन चल रहे हैं, और ऐसे ही एक कम्युनिटी किचन यहाँ द्वारका में चल रहा है जहाँ पर हम अभी मौजूद हैं। और ये कम्युनिटी किचन बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा की तरफ से चलाया जा रहा है, और यहाँ पर चावल बन रहा है, दाल बन रहा है, और पूरी साफ सफाई और हाइजीन का पालन किया जा रहा है। ऐसे पैकेट्स रखे हैं जो डिस्पोजेबल पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स में चावल दाल को पैक किया जाता है। क्या कह रहे हैं एक पैकेट में हमें दिखाइए। जो पैकेट्स यहाँ पर है उसमें चावल दाल को रखा जाता है, ये डिस्पोजेबल पैकेट है, और इसको पैक किया जाता है। जो पैक करते हैं वो भी पूरी तरह उन्होंने ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क पहन रखे हैं, सर पे कैप पहन रखी है, यानी कि साफ सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखा जाता है। और ऐसे हजारों पैकेट्स यहाँ पे गाड़ियों के माध्यम से द्वारका के अलग अलग हिस्सों में पहुँचाए जाते हैं। ये जो कम्युनिटी किचन जहाँ पर है, इसके बाहर भी रोज सैकड़ों जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, औरतें हैं, वो यहाँ पर आते हैं। उनको भी यहाँ पर लाइन लगवाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन तक ये खाना पहुँचाया जाता है। खाना बनाने के अलावा फूड सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी मदद मिल रही है, लेकिन लोगों की सेवा में खुद प्रवेश वर्मा भी शामिल हो रहे हैं। वो अपने हाथों से लोगों को खाना भी खिला रहे हैं। जी, भगवान ने जो भी हमें अपना ताकत दी है, अगर इंसान इंसान के काम आएगा, यही इंसानियत है। तो हमारी कोशिश है कि हम जितना हमारा सामर्थ्य है उससे ज्यादा ये हम अपना सेवा का काम करें। तो क्या ये आपसी सहयोग से आप करते हैं या फिर इसमें आप किसी एनजीओ के माध्यम से इसमें पैसा लगा रहे हैं? देखिए, आप एक मेरे पिताजी ने राष्ट्रीय स्वाभिमान के नाम से संस्था शुरू करी थी, ये उसी संस्था के द्वारा ये काम हो रहा है। सारा पैसा हमारी संस्था के द्वारा लग रहा है, इसमें कोई भी सरकारी पैसा हमने किसी से एक भी रुपया नहीं लिया। इस कम्युनिटी किचन में हर दिन 120 किलो चावल और 50 किलो दाल का इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ से रोजाना 3,000 से ज्यादा लोगों को खाना मिल रहा है। लॉकडाउन में अब तक खाने के करीब 1,00,000 पैकेट बांटे जा चुके हैं। खाने के साथ साथ 12 किलो का एक राशन पैकेट भी तैयार किया गया है। इस राशन पैकेट में 4 लोगों के परिवार के लिए एक हफ्ते का सामान है। जो राशन का किट आप लोगों को बांट रहे हैं, तो कोई एक किट जो है हमको आप खोल के दिखाएंगे आप क्या क्या सामान देते हैं? देखिए, इसमें ये लगभग 12-13 किलो की किट है। इसमें ये 5 किलो का आटा और ये 2 किलो इसमें चावल, बासमती चावल, 2 किलो बासमती चावल, और ये आपका चना, ये चीनी, ये नमक, ये तेल, ये आपका लाल मिर्च पाउडर, ये आपका हल्दी पाउडर, और ये धनिया पाउडर। ये हमारी मोदी किट है, ताकि एक हफ्ते का एक परिवार का भोजन इसमें से हो जाए। अभी तक करीब 2,500 राशन पैकेट बांटे जा चुके हैं और 3,000 राशन पैकेट और बांटे जाएंगे। इसके अलावा प्रवेश वर्मा राष्ट्रीय स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से एनजीओ और गुरुद्वारों को भी 15 दिन का राशन देते हैं। अब तक 4 ट्रक चावल और 4 ट्रक दाल एनजीओ और गुरुद्वारों को दिए जा चुके हैं। इस वक्त देश में 542 सांसद हैं, और अगर सभी सांसद इसी तरह जनता की सेवा में लग जाए तो कोरोना का संकट और लॉकडाउन की परेशानी से बाहर आने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।
दिल्ली से इंडिया टीवी के लिए आनंद प्रकाश पांडे की रिपोर्ट।